तो कैसे है भाई साहब? बढ़िया। तो इस ब्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं कि फ्राइड राइस का हिस्ट्री और हमारा नया हेयर कट। भैया जी कैसे हैं? ये चलते हैं थोड़ा हेयर कट कराने, और अभी के बज रहे 10:30, तो चलिए चलते हैं आज। पानी का बोतल ले लिया, अभी चलते हैं हेयर कट करवाने। तो पहले हमें दोस्त बोला कि चलेंगे हेयर कट करवाने, तो मैं बोला ठीक है फिर हेयर कट करवाने सीधा चलते हैं। और उसके बाद वो भाई साहब देखो खा रहे हैं, खा ले बेटा, तू खा ले अभी। तो हमारा तो हेयर कट हो चुका है और उसका भी हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे सीधा। जा 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 फेंकने जा रहा है। हाँ अभी तैयार हो चुका है, और अभी के बज रहे हैं करीब 1:30 हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं खाने। और कुछ आज ऐसा कटा, मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसे काट दो, तो ठीक है जो भी है सही है यार, एक्सीडेंट करते रहते हैं क्या फायदा, कुछ भी हो चाहे यार। तो अभी चलते हैं खाने, बहुत भूख लग रहा है। तो अभी खाना पीना हो चुका है, अभी चलते हैं मेज पर, बहुत धूप है आज, जल्दी भी नहा लिया आज, पता नहीं कैसे कटेगा भाई, इतना ज़्यादा गर्मी है। और एक चीज़ दिखा दो आप लोगों को, मैं कब से फल लगे हुए हैं भाई, अमरूद लगा हुआ है बट हो ही नहीं रहा है भाई, क्या है यार ऐसी है। भैया जी अभी होता है शाम, और हम लोग अभी मुंबई थे और बहुत टाइम से व्लॉग नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे मेस पे, तो आप लोग जानते ही होंगे। और बताना क्या है, फ्राइड राइस और चिली कैन लिया है, खाएंगे तो अभी वो खाते हैं। तो भैया जी थोड़ा फ्राइड राइस के बारे में जान लेते हैं, क्या कि जो खा रहे हैं वो जान लेना ज़रूरी होता है। तो गूगल विकिपीडिया के मुताबिक फ्राइड राइस का मूल है ये स्वीडन अष्टी, जो कि चाइना में है और 6th century का है। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 6th century का है, यानी 501 साल से 600 साल तक के अंदर। इसके कुछ अलग से नाम है, कुछ खास है कि जापानी में एकी मासी, थाईलैंड में खाओ पैड, नेपाल में फूते को भात, और कोरियन में तो मेरा मुंह ही लग गया भाई, बुके कुम बाप, एक ऐसा नाम हुआ भाई बुके कुम बाप। और हमारे बंगाली में हम तो इसको कहते हैं यी बात। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, वहाँ पे पूरा लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, अगर मन हो तो देख लेना। ओ भाई अभी खाना का क्या है, वो पेट बहुत भर चुका है, थोड़ा सा था बट भर चुका है पेट। लॉग एड चल रहा है, बैठ के बैठ के करते हैं भाई। आप लोग सोचोगे कि मैं इतनी देर तक क्या कर रहा था, फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ पढ़ रहा था, सच्ची बात झूठ नहीं बोला, दिखा देता हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे इधर है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन मिला है, तो कुछ नोट्स क्लियर कर रहे हैं तो वो ही पढ़ेंगे, तो और यहाँ पे ठीक से नोट्स
लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे तरीके से। और एक चीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सो जाना है। और क्या भाई, ज़िंदगी तो यही है भाई, ज़्यादा नहीं होंगे कुछ कम। मैं ऐसा कभी कभी नहीं काटता था, दोस्त बोला इसलिए कट कर लिया। घर वालों को बताया तक नहीं भाई, इतना गाली पड़ता ना, छपरी हो गया क्या, क्या हो गया मतलब। तो हाँ, थोड़ा सा एक ज़ीरो से मार दिया, एक मारना चाहिए तो कोई नहीं, बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर। मैं जब रात के 1:30 बज रहे हैं और इतना भूख लग रहा है, मतलब जल्दी जल्दी खाने का यही सिर्फ एक रीज़न है भाई, भूख लग जाता है भाई वो। तो हाँ भैया, हम खाते हैं और भूख मिटाते हैं। तो अगर इस ब्लॉग को अच्छा लगे भैया जी, आप पता रहता है कि आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय। हाँ जी भैया जी, सोते हैं अभी और ब्लॉग को अभी एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको तो पता ही है। एक चीज़, कल हम लोग जाने वाले हैं कुछ इन्विटेशन में, दोस्त के घर में शादी है तो उसको अटेंड करने जा रहे हैं, दोस्त की दीदी का। तो कल व्लॉग देख लेना आप लोग कैसा रहता है। तो चलिए। तो भैया जी, क्या है कि व्लॉग तो एंड हो चुका है, पर मुझे कुछ कहना था। ये कि मेरा जो व्लॉग है, ये आप लोग रहे होंगे करीब 6:30-7 मिनट, बट ये एक्चुअल में 10 मिनट से ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि मैं वीडियो शूट कर रहा था फेस देके, तो उस टाइम मेरा जो व्लॉग था कुछ मैं माइक्रोफोन ऐड करके आवाज़ दे रहा था। उस टाइम मैं सोचा कि पूरा वीडियो मस्त आया होगा, पर उसके देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब मेरा जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।